हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और अच्छी जॉब्स मैं लेके हाजिर हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नई नई जॉब्स की अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ये जो जॉब होने वाली है वो फील्ड वर्क फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब्स हैं। थंबनेल में वैसे सब कुछ मेंशन कर रखा है मैंने, काफ़ी लोग जो है उससे समझ जाते हैं कि कौन से काम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये फील्ड वर्क होने वाला है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का जॉब्स है और फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का। ध्यान से, फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का, न कि पैकिंग का, पैकर्स का है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लिपकार्ट नाम देखते ही जो है कॉल करते हैं, सर उसमें पैकर्स जो है पैकिंग का, पैकर्स का काम नहीं किया करके है। तो गाइस, ये डिलीवरी जॉब्स है। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी का जॉब पैकिंग और पैकर्स का नहीं, फील्ड एग्जीक्यूटिव का। इसमें सैलरी फिक्स रहती है, सैलरी फिक्स 22,000-24,000 सैलरी फिक्स रहती है। आपको पर्टिकुलर एक एरिया दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक एरिया, जिसका डिस्टेंस जो है एक 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर लास्ट रहता है, 4 से 6 किलोमीटर, उसी के अंदर आपको गाड़ी चलानी रहती है, उसी के अंदर आपको डिलीवरी करनी रहती है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर में अभी जो है इसकी वैकेंसी है, ऑल ओवर बेंगलोर में इसकी जो है पोस्टिंग चल रही है। एज लिमिट इसमें रहती है 18 से लगाकर 40, 45, 48 लास्ट, क्योंकि डिलीवरी जॉब्स में जो है स्टार्टिंग एज फिक्स रहती है 18 साल, लेकिन जो एंड लास्ट जो है वो रहता है, वो उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता डिलीवरी एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि इसमें ESIPF जो है नहीं रहता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें रहता है कि कंपनी आपको जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा के देती है, अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त या फिर डिलीवरी देते वक्त, तो कंपनी की तरफ से एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है रहती है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख की जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है वो कंपनी आपको करवा के देती है। इसमें बाइक कंपलसरी रहती है। अगर आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ DL है, तो भी जो है हम लोग आपको बाइक प्रोवाइड करवा के देते हैं, हम लोग अरेंज करवा के देते हैं। जो रेंटल स्कूटर वगैरह आता है जो महीने का 3,000-4,000 रुपये लेता है या 2,500 रुपये लेता है, वो लोग हम लोग आपको अरेंज करवा के देते हैं। उसका पेमेंट वगैरह जो भी है वो आपको पे करना रहता है महीने के एंड में। तो लोकेशन इसमें ऑल ओवर बेंगलोर रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन इसमें जो है कोई भी चलता, कोई भी, कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश ऐसा आना चाहिए कि जो फोन में जो हम लोग इंग्लिश बेसिक इंग्लिश जो देखते हैं ना फोन में, वो इंग्लिश, जैसे कि जो पैकेट्स के ऊपर एड्रेस पढ़ सके, उसको एड्रेस रीड कर सके अच्छे से, पढ़ के वो उस एड्रेस पे जाकर डिलीवर दे सके, बस उतना ही इंग्लिश आए तो काफ़ी है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। लैंग्वेज इसमें कोई भी चलती है, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, कोई सा भी लैंग्वेज रहना तो इसमें चलती है। ये डायरेक्ट जॉइनिंग रहती है और इसमें अच्छे खासे बेनिफिट्स भी रहते हैं। आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे तो इसमें आपको जो बेनिफिट्स भी बता दिया जाता है और एक आपका जो एग्जैक्ट सैलरी क्या होने वाला है वो उसके बारे में भी जो है बताया दिया जाता है, कि जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा हम लोगों का आधार कार्ड और DL आप जो हम लोगों को फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करने के बाद एक मैसेज करें, आपको जो तुरंत कॉल कर दिया जाएगा कि उस दिन आपको आना है इंटरव्यू के लिए और ट्रेनिंग के लिए। पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में के जो है आपको सैलरी के बारे में समझाया जाएगा, काम के बारे में समझाया जाएगा, एक काम क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, आपको कितने आवर्स ड्यूटी करनी रहेगी, उसमें एक्स्ट्रा क्या तो इंसेंटिव कितना रहेगा। आफ्टर देन जॉइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग जस्ट 1-2 घंटा ट्रेनिंग रहती है, बस उतना ही। जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाती है, कस्टमर से कैसे बात करना है वो थोड़ा समझाया जाता है, और डिलीवरी को कैसे देना है, रीड कैसे करना है एड्रेस को, वो थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है और उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका DL और बैंक का पासबुक और 3 से 4 फोटो लगती है इसमें। और गाइस, फील्ड एग्जीक्यूटिव का है ये, फील्ड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का, तो लोकल बंदा भी जो है इसको अप्लाई कर सकता है और आउट ऑफ स्टेशन वाले भी जो ऑलरेडी बंगाल में रह रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो गाइस,
काफी लॉन्ग टाइम के बाद, एक्चुअल 1-2 हफ्ता हो गए थे हम लोगों को ये वीडियो अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोगों का 2 कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ऐसे आए हुए हैं जहाँ अच्छे लड़के लोगों की अभी डिमांड चल रही है, जहाँ अच्छा इंक्वायरी आई है उसको फुल फिल करने में ही हम लोगों को थोड़ा टाइम निकल जाता है। अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो कपड़े का फैक्ट्री का मैंने डाला था 1-3 हफ्ता भर पहले उस वीडियो का, तो अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे, लग रहे हैं जो काम कर रहे हैं। काफ़ी काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिसके मन में डाउट होता है कि इनका कुछ नहीं है, मतलब कहने का है कि डाउट से ऐसा है कि जो है वो लोग सोचते हैं कि ये फेक एजेंसी है, क्या पता है जॉब दिलवाए कि नहीं दिलवाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसी बात है कि काफ़ी कंपनी वाले जो रहते हैं, काफ़ी एजेंसी वाले ऐसे रहते हैं कि वो जानबूझ के आप लोगों को भ्रमित करते हैं, जानबूझ के आप लोगों को ऐसा बोलते हैं कि वो सारी की सारी फेक है, हम ही सिर्फ रियल हैं। ऐसी एजेंसियां रहती है, ऐसी कंपनियां रहती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोले तो उनका घर नहीं चलेगा। और वो सीधा यही बोलते हैं, देखो हमारे पास GST नंबर है, देखो हमारे पास ऑफिस है, देखो हमारे पास इतना मैन पावर है, देखो हमारे पास ये है वो है, ये जो भी उनका जो मन में होता है वो बोलते हैं। गाइस एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोगों के पास भी सब कुछ है, GST नंबर भी है, ऑफिस भी है, एक नहीं दो दो तीन तीन ऑफिस है, जो अलग अलग मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी का एक अलग ऑफिस है हुलीमो में, इवेंट्स और मैनेजमेंट का अलग ऑफिस है विजयनगर में, तो अलग अलग ऑफिस है अलग अलग काम के लिए। हम कैंडिडेट्स को जो आउट ऑफ स्टेशन वाले आते हैं ना हिंदी वाले, हम उनको ऑफिस इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वो बंदा बेचारा आउट ऑफ स्टेशन से आता है, पता नहीं कहाँ बस मिलेगी उसको, मतलब कहाँ से पकड़ेगा बस, ऑटो वाला कितना चार्ज ले लेता है, और उसका टाइम वेस्ट ना हो और उसका मनी वेस्ट ना हो। एक स्टेशन से एक हम लोग ऑफिस आना, उसका जो पूरा दिन चला जाता है, प्लस उसमें ऑटो चार्ज बस चार्ज मिला के नहीं नहीं मान के चले तो भी एक 300 400 रुपये 500 रुपये तो उसका खर्च हो ही जाता है, और दोपहर में खाना वगैरह मिला के जो एक 600 700 तक चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कैंडिडेट्स को, वो आउट ऑफ स्टेशन से रेलवे स्टेशन पे आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉलोअप लेते हैं पहले ही, तो उसको क्या करते हैं कि पहले ही एक लोकेशन बता दिया जाता है कि भाई तू डायरेक्ट स्टेशन पे उतर, हम लोग को कॉल कर, हम लोग उस बस नंबर बताएंगे, ऑटो जो भी है वो बताएंगे, वहां पे पहुंचे, वहीं तुम्हारा काम है, वहीं तुम्हारा लोकेशन है, तुम वहीं तुमको काम करना है, और काम की डिटेल्स उस बंदे को पहले ही दी जाती है और क्लियरली उसको पूछा जाता है कि इस काम के लिए तू सेटिस्फेक्शन है तो भाई आना। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कैंडिडेट्स को डायरेक्ट उस लोकेशन पे भेजते हैं जहां उसको एक्चुअल में काम करना रहता है, उससे क्या रहता है कि उसका पैसा भी सेफ हो जाता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, प्लस उसका टाइम सेव सेव हो जाता है, टाइम सेव बोले तो 1 दिन पूरा उसका सेव हो जाता है। वो बंदा 3 दिन से थका रहा आता है तो जहाँ जाता है काम के लिए वहाँ जाके 1 दिन रेस्ट करता है, तो उससे क्या रहता है कि उसको भी रिलैक्सेशन मिलता है, टाइम सेव होता है, प्लस उसका भी काम अच्छे से हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जो बंदे आते हैं, जैसे हेल्पर काम के लिए हुआ, गारमेंट्स काम के लिए, उन सब काम के लिए हम लोग अपने ऑफिस नहीं बुलाते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसको काम के लोकेशन पे भेजते हैं। हाँ अगर आपको सेल्स के मामले में, आपको जो है प्रमोशन के मामले में, या फिर आपके फील्ड के मामले में हम लोगों का जो है काम के लिए आते हैं ना, उनको हम लोग ऑफिस बुलाते हैं, इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, उनको पता है कि हम लोगों का ऑफिस कहाँ पर है, क्या क्या है करके, तो उनको हम लोग डायरेक्ट ऑफिस बुलाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि वो ऐसे एजेंसी वाले इसलिए ऑफिस बुलाते हैं कि अगर आपको जो है डायरेक्ट एड्रेस दे देते हैं वो लोग, आप डायरेक्ट उस जो है स्टेशन से वहाँ काम पे ले चले जाते हैं, तो फिर उनको पैसा कौन देगा, सही है ना, उनको भाई मनी कौन देगा, जो ज्वाइनिंग के नाम पे 3000 4000 रुपये लेते हैं वो किससे लेंगे, क्योंकि आप तो डायरेक्ट जो है ड्यूटी पे चले जाते हैं वहीं से स्टेशन से। मान लो आपने एक आदमी का पैसा दिया, 3 आदमी आप साथ में आ गए, उसको कैसे पता चलेगा, 3 आदमी जो है एक 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 आदमी के जो है आपका 3000 रुपये दिए एक आदमी का, और 3 आदमी जो आ गए डायरेक्ट आपको भेज दिया, तो उसका तो जो है वो बोले सोचेगा ना मेरा लॉस हो जाएगा, या फिर कैंडिडेट्स को डायरेक्ट वहां नहीं भेजता है। वही है, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई ज्वाइनिंग फीस लेता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है वहां भेजते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि हम लोगों के पहले ऑफिस आओ, यहाँ ज्वाइनिंग फॉर्म भरो, यहाँ आपका जो ज्वाइनिंग फीस लिया जाएगा यहाँ 3000 रुपये भरो पहले, फिर आपको जो वो लोकेशन दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि हम लोग प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं आपका,
फिर आपको जो बोला जाता है कि हम लोग रियल हैं, हम लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स है, हम लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है। गाइस ये सब जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ स्टेशन हिंदी वालों के लिए होता है। जो मेट्रो स्टेशन सिटीज आती है, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, इन सब में जो उन लोगों को पता है कि जॉब के नाम पे, काम के नाम पे एक भी रुपए देना का जरूरत नहीं है, तो वो लोग नहीं देते हैं। ये सब जो है हिंदी वाले लड़के जो स्टॉप आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, जो हेल्पर के काम के लिए आते हैं, उन सब के साथ ये सब बोलते हैं कि तू कहाँ जा रहा यार, वहाँ कुछ नहीं है, हम लोगों का अच्छा एजेंसी है, हम लोगों का अच्छा कंपनी है, तू चल आ, 3,000 रुपये भर दे, फटाक से काम पे लग। ऐसा वो लोग उनके मन में, उनके जो है दिमाग में एक डाउट बैठाते हैं कि जेन्युइन है तो सिर्फ हम ही है, बाकी सब फेक है। तो गाइस मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, सोच आपकी होनी चाहिए। लोगों का काम है वो आपको भ्रमित करना, काम जॉब्स। आज कौन बोलता है कि फ्री की जॉब नहीं मिलती, हम दिलवाते हैं फ्री की जॉब, हम देते हैं, काम कराते हैं। लास्ट एक काफी साल से हम लोग जो इस फील्ड में हैं, बिना किसी एक का एक भी रुपए लिया हुआ, काम पे आता बंदा काम करता है, ज्वाइन होता है, जाता है, सब कुछ होता है। काफी ऐसे प्लेटफॉर्म भी है, अपना ऐप वर्क लाइक एक ऊपर 3 से 4 ऐसी ऐसी मतलब इंडीड बहुत ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आप नाम सुनेंगे, जिसमें लाखों आदमी काम करते हैं, वो सारी की सारी जो कंपनियां हैं फ्री जॉब दिलवाती है, कैंडिडेट से एक भी रुपए नहीं लेती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या वो फेक हो गई? और ये जो छोटे छोटे एजेंसी वाले हैं जो आजकल में अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वो जेन्युइन हो गए? एनीवे भाई, वो आप लोगों की सोच होनी चाहिए, उन लोगों का बोलना का काम है। आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है कि जेन्युइन कौन है और फेक कौन है। मैं ये नहीं बोलता कि जो है आपको जॉब नहीं दिलवाते, वो लोग आपको जॉब दिलवाते हैं, उनके पास 24 आवर्स जॉब मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ। क्यों जॉब मिलेगा? क्योंकि वो लोग पैसा लेते हैं, और हर कोई आदमी पैसे में जाना नहीं चाहता, इसलिए उनके पास वैकेंट रहता ही रहता है। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा नहीं रहता है, जॉब्स आती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो वैकेंट चलती है, उसके बाद वो फिल हो जाती है, वो फुल हो जाती है, वो पूरी हो जाती है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं बचता, उसमें कोई खाली नहीं रहता है, क्योंकि फ्री की जॉब्स रहती है। जब कोई बंदा छोड़ के जाता है या फिर जब कंपनी की तरफ से कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, तभी हम लोग के पास अच्छी जॉब्स आती है, या फिर नया कुछ जो है होता है, या फिर नई जॉब्स आती है तभी हम लोग के पास नए कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। तो उन लोग के पास आपको देने के लिए जॉब मिलेगी, बेसिक मिलेगी, क्योंकि वो लोग पैसा लेते हैं, पेमेंट लेते हैं आप लोगों से, और वो आपको जॉब दिलवाएंगे, 100% दिलवाएंगे। तो गाइस मेरा तो एक ही कहना है, एक ही मानना है, और इतना ही बोलना है कि आप थोड़ा देख के, आप थोड़ा सोच विचार के, अपना लाइफ का जो आप काम करते हैं ना, वो पूरा लाइफ टाइम चलने वाला है, उसको थोड़ा देख के फोन करें, उसको थोड़ा देख के जाए। आप ज्वाइनिंग के नाम पे, आप जो है एक रिक्रूटर के नाम पे, चार्जिंग के नाम पे 3,000 4,000 1,000 2,000 वो सब नहीं दे, और रियल जॉब चुने, रियल प्लेटफॉर्म चुने, और वहां जाए जहां आपको अच्छा काम मिले या जहां आपको अच्छी देख रेख मिले, और ज्वाइनिंग के नाम पे जहां एक भी रुपए लेने कोई नहीं लेता हो। तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो फ्रेंड्स हम लोग लेके आते नेक्स्ट वीडियो अच्छे से, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।